बचपन में ड्राइंग का शौक बड़े होते होते कब अक्षरांकन यानी कैलीग्राफी में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला, और फिर जुनून ऐसा सिर चढ़ा कि MBA फाइनेंस की पढ़ाई करने के बावजूद बेहतर नौकरी पाने की भी उम्मीद अरमानों को रोक न पाई। इस बीच नौकरी लग भी गई, मगर कोरोना के चलते नौकरी छोड़कर घर वापसी करनी पड़ी, तो यहीं से मानो इनप्रीत की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी की इनप्रीत कौर चड्डा की, जो कि भोटिया पड़ाव गोविंदपुरा निवासी दलजीत सिंह चड्डा और इंद्रजीत कौर की बेटी हैं। इनप्रीत की प्रारंभिक शिक्षा हल्द्वानी के इंस्पिरेशन स्कूल से हुई और उसके बाद भीमताल ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में फाइनेंस से MBA किया। उसके तुरंत बाद प्लेसमेंट भी मिल गया और चंडीगढ़ की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 12 लाख के पैकेज की नौकरी भी लग गई। लेकिन शायद इनप्रीत की किस्मत में बद कर रहना लिखा ही नहीं था, तो उसे यह मौका मिल गया। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में उसे घर लौट कर आना पड़ा और बस यही से उसके अंदर छुपा बैठा कैलीग्राफर जाग गया, और भाई हरजीत सिंह चड्डा सहित भाभी और घर के बाकी सदस्यों ने उसे उसके शौक को लेकर प्रेरित किया। वह अपने प्रतिभा को सोशल मीडिया के मंच पर लेकर सामने आई, और फिर क्या, देखते ही देखते इनप्रीत के इंस्टाग्राम अकाउंट लेटरिंग बफ पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई। उसके काम को सराहा जाने लगा और बाहरी राज्यों खासकर मेट्रो सिटी से ऑर्डर मिलने लगे। इसके बाद तो गूगल, मारुति और स्विगी जैसी नामी कंपनियों से काम मिलने लगा, और देखते ही देखते शौक से शौहरत तक का सफर तय कर लिया। लेकिन इनप्रीत का कहना है कि उसे अब अपनी टीम को बढ़ाना है। अभी दो लोग टीम में हैं, जिनमें प्रार्थना हल्द्वानी से तो गौरी पुणे से हैं। आपको बता दें कि इनप्रीत कौर के काम की तारीफ कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सहित पंजाबी गायक आहान भी कर चुके हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने भी उन्हें उनकी रचनात्मकता के लिए प्रोत्साहित कर चुके हैं। जल्द ही वे उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार और राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलने वाली हैं। फिलहाल उनकी इस मेहनत, लगन और शौक से परिवार का हर सदस्य बेहद खुश है। मैंने एजुकेशन इंस्पिरेशन स्कूल से, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन MBA इन फिनेंस, वो मैंने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से किया। कॉलेज के टाइम में ही आई स्टार्टेड कैलीग्राफी एज अ पैशन, अच्छा लगता था करना, नेवर न्यू कि ये मैं प्रोफेशन में टर्न करूँगी। देन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जॉब करनी शुरू करी। कोविड के टाइम आई केम बैक हल्द्वानी में ही, उसके बाद मैंने इसको और सीरियसली लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काफ़ी अच्छा इंस्टाग्राम से रिस्पॉन्स आने लग गया, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ गए। अभी के टाइम 75,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, एंड उसी के थ्रू हमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स आने लग गए। जो हमारा क्लाइंटेल है वो सारा बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन सिटी का है, और वो काफ़ी अच्छा, उनको ये डिफरेंट लगती है चीज़ें और काफ़ी यूनिक लगती है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनसे मिलता है। तो अब मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ। आगे का मेरा सपना ये है कि मेरी काफ़ी बड़ी टीम हो। अभी हम 3 लोग ऑलरेडी हैं जो काम कर रहे हैं इसमें। अभी मेरा सपना ये है कि हम और सारे कैलीग्राफर्स इंडिया में हो, और मेरी एक पूरी टीम हो, और हम इसको एक काफ़ी अच्छा बिजनेस टर्न कर सकें। अभी तक मैंने जितना खुद देखा है, बहुत बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में, क्योंकि काफ़ी कम कैलीग्राफर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, तो इसके डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो पोटेंशियल तो लिमिटलेस है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको रिकॉग्नाइजेशन हमेशा मिलेगा। तो ये ओब्लीक होल्डर है, ये निब है, ये काफ़ी विंटेज चीज़ है, पहले इंग्लैंड वगैरह में कैलीग्राफी के टाइम यूज़ होता था। तो ओब्लीक होल्डर से मैं कैलीग्राफी करती हूँ। एनग्रेविंग के लिए काफ़ी सारे मेटल प्रोडक्ट्स, ग्लासेस, सेरेमिक और इनफैक्ट इन वुड, तो ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। ये एनग्रेविंग टूल है, इससे क्या होता है, लेयर निकल जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये एच करता है प्रोडक्ट को और उसकी लेयर्स निकलती हैं। ये शौक तो काफ़ी महंगा है, क्योंकि इसके जो टूल्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप ये ओब्लीक होल्डर ये सब भी देख लें, इंक्स देख लें, जो हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं, तो इनिशियली काफ़ी महंगा है। बट एक बार आपको सही तरीके से यूज़ करना आ गया तो फिर आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट ही है।
क्या कहेंगे? आई थिंक हर कोई कर सकता है इसको। आप अगर कोई भी चीज़, कोई भी स्किल सेट को कंसिस्टेंसी के साथ करें तो आप अनस्टॉपेबल हो सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बी इट कैलीग्राफी या आर्ट हो या कोई भी आर्ट का फॉर्म हो, अगर कंसिस्टेंसी के साथ हम करें, हमारा स्किल सेट डेवलप होगा एंड उसको हम प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। आपको बेचना आना चाहिए, आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो सब कुछ बिकता है। हमारे जो मेजर क्लाइंट है वो है गूगल इंडिया। हम कॉरपोरेट ऑर्डर्स उठाते हैं। कॉरपोरेट्स में हमने गूगल के लिए काम करा है, स्विगी के लिए काम करा है, मारुति सुजुकी के लिए काम करा है एंड PNG ग्रुप के लिए काम करा है। इंडिविजुअली कमर्शली भी हम ऑर्डर्स लेते हैं, वो काफ़ी जितने भी आते हैं वो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी से ही आते हैं। तेज़ी से और तेज़ी से बढ़ते जाना है और इसको और अच्छा करियर फॉर्म पे लोगों को दिखाना है कि वी कैन डू इट, बी इट एनी आर्ट फॉर्म।